हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ट्रेडर्स एचआर मास्टर ग्रुप। तो नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और मंडे को क्या मूवमेंट हो सकता है इसको हम देखेंगे। तो अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे ड्रा करके रखा हूँ। मार्केट में ऑलरेडी WXY एग्जिट पैटर्न कंप्लीट हुआ था जैसे दिख रहा था। इसके बाद मार्केट में अभी हमारा जो इम्पल्सिव फेज 1 2 3 4 5 वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो लगभग अगर अभी देखेंगे फर्स्ट वेव सेकेंड वेव एंड सेकेंड वेव कंप्लीटेड है। तो सेकेंड इसको अभी तो पूरा 100% हम नहीं बता सकते, फिर भी मेरे हिसाब से सेकेंड वेव अभी कंप्लीटेड हुआ है। इसके बाद अभी जो है थर्ड वेव का कंटिन्यूएशन रहेगा, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि इम्पल्सिव वेव में थर्ड वेव सबसे स्ट्रांग होता है और ट्रेंडिंग होता है, बड़ा वेव आपको देखने को मिलता है। तो ये वेव कंप्लीट होने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि ये वाला थर्ड वेव है या फिफ्थ वेव है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको फिफ्थ वेव मान के चल रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इसको और भी थोड़ा हमको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी हो, थर्ड वेव भी अगर चल रहा है, इसका जो निफ्टी का वीकली एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो पहला टारगेट निफ्टी का रहेगा इस वीक में 17,391 का, जो कि लगभग काल अगर आप देखेंगे SGX निफ्टी में जो अच्छा खासा रैली देखने को मिला है, वर्ल्ड क्यू भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया। तो लगभग SGX निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है वो लगभग 17,320 के आसपास ही क्लोजिंग हुआ है। तो ऐसे भी हो सकता है कि मंडे को ये 390 के ऊपर भी ओपन हो सकता है। तो फिर भी हमारा जो मंडे के लिए जो टारगेट रहेगा, अगर निफ्टी 17,300 का रेंज में ओपन हो जाता है या 270 280 का रेंज में ओपन होता है, तो हमारे लिए पहला टारगेट क्या रहेगा 17,391, ठीक है। तो इसको क्रॉस करने के बाद मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा 18,150। तो मार्केट में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, हम ट्रेडिंग में ऐसे नहीं कि एक ही स्ट्रेट लाइन में ही मूवमेंट करेगा मार्केट, लेकिन हमारा जो वीकली टारगेट रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए आप पकड़ के चलिए एटलीस्ट 300 to 400 पॉइंट। तो 17,390 के अगर क्रॉस कर लेता है तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये जो टारगेट है मैं आपको बता देता हूँ, हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा ये रहेगा ये वाला, ठीक है। इसको हम ले सकते हैं, ठीक है, 17,667, और हाईएस्ट टू हाईएस्ट ये जो टारगेट हमारा रहेगा, ठीक है, 17,750। तो ये मान के चलिए मार्केट अगर बुलिश मूवमेंट दिखाता है तो ये रेंज में रहेगा, प्रोवाइडेड अगर मार्केट 17,391 को क्रॉस कर लेगा तब भी, ठीक है। तो मार्केट में बुलिश मूवमेंट है तो हमें मूवमेंट के हिसाब से जाना है। हम लोग को अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट में डाउनफॉल हो सकता है तो हो सकता है डाउनफॉल भी होगा, ऐसे नहीं कि मार्केट कंटिन्यूसली अप जाएगा। तो इसीलिए आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, ठीक है, विदाउट स्टॉप लॉस काम मत कीजिए। तो अगर आपको प्रॉपर सेटअप मिल रहा है तो प्रॉपर सेटअप के साथ आपको एंट्री एंड एग्जिट कर लेना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में बुलिश मूवमेंट अभी स्टार्ट हुआ है, XYZ के बाद ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है बुलिश मूवमेंट रहेगा। तो लगभग नेक्स्ट वीक में 17,760 का टारगेट हमें देखने को मिलेगा, और मंडे के लिए हमारा पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,390, मतलब लगभग 17,400 का टारगेट हम लग के चलेंगे, ठीक है। देखेंगे इसके बाद क्या होता है। तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत सारा लाइन में ड्रा करके रखा हूँ, आपको ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा मैं ये लाइन्स वगैरह सब हटा देता हूँ तो आपको क्लियरली यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी जो मतलब जो मूव्स है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी आज क्या क्या देखिए, बैंक निफ्टी में जो लाइन हम लोग ड्रा करके रखे थे यहाँ से अच्छा खासा बैंक निफ्टी को रिजेक्शन देखने को मिला है। तो फिर से बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, देखिए बैंक निफ्टी फिर से गैप अप ओपनिंग हो सकता है एट द सेम पॉइंट 37,900 के आसपास मार्केट ओपन हो सकता है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर लेता है तो हम लोग का पहला टारगेट जो देखने को मिलेगा ये वाला, ठीक है, ठीक है ना। तो ये रेंज को मार्केट जाने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है। तो फास्ट आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप होल्ड कीजिए, क्योंकि ये जो रेंज है ये रेंज में बहुत सारा कंजेशन है, आप देख सकते हैं मार्केट बहुत टाइम बिताया है इस रेंज पे। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल से अगर मार्केट 37,896 और इसको भी थोड़ा हम बफर रख लेते हैं ये वाला, ठीक है, 37,970 के ऊपर अगर क्रॉस कर लेगा और होल्ड करेगा
हम लोगों को यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए जाना है, मार्केट और भी 400-500 पॉइंट ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये लेवल से फिर से मार्केट को रिजेक्शन मिलेगा तो हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों के लिए, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के लिए कंडीशन लगभग सेम है, तो हमें यहाँ पे लेवल का वेट करना है और लेवल के हिसाब से यहाँ पे बाइंग सेलिंग कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 37,970 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है तो आप लोगों को यहाँ पे सी साइड के लिए जाना है। अदरवाइज अगर ये जो लेवल है यहाँ से अगर रिजेक्शन मिल जाए तो आपको फिर से भी डाउन साइड के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन वर्ल्ड क्यू के हिसाब से वर्ल्ड का जो कंपनी का टॉप कंपनी का जो अर्निंग है सब सेटिस्फैक्टरी है, तो इसके हिसाब से और बीडीएन का जो टॉक चल रहा है रिगार्डिंग ऑयल, तो वो भी यूएसए के लिए क्या हुआ है कि अच्छा साबित हुआ है। तो एप्पल का रिजल्ट भी अच्छा निकला है, हालांकि इंटेल का रिजल्ट थोड़ा सा ख़राब आया है, तो इसके चलते हुए कल थोड़ा मार्केट में स्लोनेस देखने को मिला पहले, लेकिन इसको मार्केट ने इग्नोर किया और फिर से अच्छा खासा 300 पॉइंट का रैली डाउ जोन में आपको देखने मिला, जिसके बदौलत क्या हुआ हमारे इंडियन मार्केट में भी रैली देखने को मिला, लगभग एसजेक्स निफ्टी 17,320 के करीब क्लोजिंग दे दिया आपको, ठीक है। तो मंडे को श्योरली थोड़ा सा एटलीस्ट 50-60 पॉइंट का गैप अप भी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।